हेलो गाइस, क्या हाल है। आज वीकेंड है तो हम घूमने जा रहे थे, तो मुझे लगा कि आपको बताऊँ एक बात डीएल से रिलेटेड और गाड़ी के कागज़ से रिलेटेड। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम गाड़ी लेकर कहीं निकलते हैं तो हमारे पेपर्स वगैरह चेक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं। वो आपसे बोलते हैं कि भाई कागज़ हैं, तो वही चीज़ ऑब्वियस है कि आपके पास गाड़ी चलाने से पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, लाइक आपका डीएल, आपकी आरसी, आपका इंश्योरेंस, आपका पीयूसी, सब कुछ अपडेट होना चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन मैं बात करूँ डीएल के बारे में। डीएल का मैटर ये है कि 130 सेक्शन 130 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, जिसमें आपके पास डीएल होना जरूरी है कोई भी गाड़ी या बाइक चलाने के लिए, ठीक है। तो आप जाते हैं जब सफर में कहीं निकलते हैं तो आपको मिलते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, बोलते हैं कि यहाँ पे पेपर दिखाओ, आप पेपर दिखाते हैं उनको, तो वो जब आपका डीएल देखते हैं तो वो आपसे डिमांड करते हैं कि लाओ डीएल हाथ में दो। सो इस पे लॉ ये है, 130 सेक्शन ये कहता है मोटर व्हीकल एक्ट का, कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं और वो वैलिड हैं तो आप उनको सिर्फ अपने हाथ में दिखाइए, आप उनके हाथ में डीएल नहीं दे सकते, क्योंकि ये कोलकाता हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा था कि डॉक्यूमेंट का वैलिड होना और आपके पास होना, या फिर जो करंट अभी नोटिफिकेशन था गवर्नमेंट का, इसमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि दिसंबर 2021 से आपको कोई भी डॉक्यूमेंट फिजिकल स्टेट में अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डॉक्यूमेंट को अपने मोबाइल फ़ोन में, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है, लाइक डिजी लॉकर है, एम परिवहन ऐप है, आप उसमें अपनी वर्चुअल आरसी, वर्चुअल डीएल और अपने सारे डॉक्यूमेंट वर्चुअल रख सकते हैं। ये भी एक वैलिड चीज़ है। लेकिन अगर आपसे कोई डिमांड करे कि डीएल की, तो बेटर तो यही है कि आप अपने पास चीज़ रखें, डीएल रखें अपना और सारे डॉक्यूमेंट फिजिकल स्टेट में भी रखें, ठीक है। थैंक यू।